Yes. Hello, everyone. Very good morning. Greetings to all and welcome to taskbook.com. My name is Sutwari and hope you are doing well. Yes. Hello, everyone. स्वागत है सभी का टास्कबुक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. मेरा नाम है स्वितवारी और उम्मीद करता हूँ कि सभी आप बेहतर होंगे. चले गए. सो सभी का वेलकम है आज के सेशन में. सभी को नमस्कार. वेरी गुड मॉर्निंग शिवा. यस शत्रुघ्न प्रिया. यस सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि सभी बेहतर होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से चल रही होगी. सो सभी का वेलकम है आज के सेशन में. सभी को नमस्कार. चलिए जितने भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं सो जल्दी से फटाफट मुझे एक बार बताइएगा दैट एवरीथिंग इज फाइन. ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. ठीक है. सो आप सभी को मालूम है कि ऑलरेडी हमने ये सेशन स्टार्ट किया था मॉर्निंग 8 AM पर जो मंडे टू फ्राइडे रहता है और सैटरडे और संडे हम लोग स्पेशल सेशन कवर करने जाते हैं. और हम लोग कवर कर रहे थे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. और आप सभी को मालूम होगा कि RRB NTPC जो CBT 2 का था उसका जो रिवाइज्ड कट ऑफ है और रिवाइज्ड रिजल्ट है वो आ चुका है. सो आप लोगों ने जो रिवाइज्ड आपका कट ऑफ और रिजल्ट है वो ऑलरेडी चेक कर लिया होगा. और CBT 2 के लिए अब आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को. और हमेशा की तरह हर एक मॉक सेशंस में हम लोग टोटल 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस को कवर करने जाते हैं जो आपके हुए रहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी करंट अफेयर और स्टैटिक परपेज. ठीक है. सो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. इसका जो PDF है याद रखिएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. सो जितने भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखिएगा @SirsaTestbook. यहाँ पर आपको मेरे हर एक सेशंस की PDF मिल जाएगी. और बाकी जितने भी मेरे सेशन हो रहे हैं इस समय टेस्टबुक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इनका टाइमिंग याद रखिएगा 8 बजे RRB NTPC, 9 बजे आपका मास्टर क्लास होता है करंट अफेयर का जो टेस्टबुक एप्लीकेशन पर होता है, और 11 बजे हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डिफेंस चैनल है उस पर सेशन कवर करने जाते हैं. सो आप इन सभी सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में टेस्टबुक टीम के साथ जुड़ सकते हैं. देर आर मेनी कोर्सेज विच गोइंग ऑन द टेस्टबुक.com. तो आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं बाई यूजिंग द कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है. चलेगा जब आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे जो आप सभी के स्क्रीन पर है. तो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा. देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप. ठीक है. निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया था. इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा. कुंदन, नीरज, अभिषेक, सपना. ठीक है. यस मंजुनाथ. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. वेरी गुड मॉर्निंग. आई होप कि सभी बेहतरीन होंगे. ठीक है. यस सो स्टार्ट करते हैं. जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा. प्रशांत जीत, रमेश. यस सो इस क्वेश्चन का देखिए जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन DH करेक्ट. ठीक है. ऑप्शन DH करेक्ट. तो याद रखिएगा जो रेने लेनेक है, रेने लेनेक. ठीक है. इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप. ठीक है. सो स्टेथोस्कोप याद रखिएगा मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो इस्तेमाल किया गया था किसके द्वारा, रेने लेने के द्वारा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु रोट द बुक द लास्ट मुगल बेस्ड ऑन द अकाउंट ऑफ 1857. ठीक है. तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, और आप सभी को मालूम है कि जो आखिरी मुगल राजा थे उनका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा रंगून भेज दिया जाता है और वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है. कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी नेचुरल तरीके से, कुछ लोग बोलते हैं उनकी हत्या की गई. ठीक है. तो इन पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है लास्ट मुगल. तो ये जो किताब है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम, दूसरी है साउल डेविड या फिर कार्ल मार्क्स. तो कार्ल मार्क्स की तो वैसे भी हम लोग एक किताब पढ़ते हैं जिसका नाम पढ़ा होगा आपने, बहुत ही पॉपुलर बुक है जिसका नाम क्या है, दास कैपिटल. आई होप कि आपने इनकी एक वैसे भी बुक का नाम सुना होगा, दास कैपिटल. और जो सोशियलिज्म इकोनॉमी है, जो सोशियलिज्म इकोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं वो भी किसके द्वारा दी गई है, कार्ल मार्क्स के द्वारा. ठीक है. तो इस बुक के भी ऑथर का जो नाम है याद रखिएगा दैट इज अ विलियम डेल रिम्पल. ठीक है. विलियम डेल रिम्पल इज द ऑथर ऑफ द बुक दैट इज अ लास्ट मुगल दैट इज बेस्ड ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857. और 1857 का रिवोल्ट आपको मालूम है बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होता है, मोर देन 1 ईयर तक ये जाता है, और उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का अगर नाम याद रखें सो दैट वॉज द लॉर्ड कैनिंग. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सीजन ड्यूरिंग समर सोल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. तो ये पूछा गया है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उस समय मतलब आपके समर सोल्स्टिस में सीजन किस तरीके से होगा. ठीक है. सो इसका थोड़ा सा सही आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा. मान लीजिएगा कि ये हमने सन ले लिया,
अब इसके चारों तरफ हम लोग अर्थ को ले लेते हैं जो घूम रही होगी, ठीक है, तो समर और विंटर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ले लेते हैं अर्थ को, तो ये इस तरीके से नॉर्थ और साउथ ले लीजिएगा, नॉर्थ साउथ, और यहां पर हम लोग ले लेते हैं नॉर्थ और साउथ, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये वाली स्थिति होगी, ये वाली, ठीक है, जहां पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी। सो जरा बताइएगा कि यहाँ पर आप सही आंसर क्या टिक करेंगे। मैक्सिमम लोग यहाँ पर टिक करने जा रहे हैं, डेफिनेटली उस स्थिति में याद रखिएगा, मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करने जाऊंगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसा होगा, समर होगा। और अगर मैं साउदर्न की बात करने जाऊंगा तो उस स्थिति में साउदर्न में क्या हो जाएगा, विंटर, ठीक है। साउदर्न में क्या होगा, विंटर होगा। और हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में किसकी बात कर रहे हैं, 21 जून की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 21 जून की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सी ऑफ ट्रांकुलिटी। तो सी ऑफ ट्रांकुलिटी क्या है, देखिए जब भी आपने देखा होगा कि हम लोग मून की स्टडी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मून के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी, यही तो बोला जाता है। जो मून है दैट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और माना जाता है कि इसकी जो एज है लगभग किसके समान है, अर्थ के समान है, तो इसके अध्ययन को हम लोग सेलेनोलॉजी बोलते हैं। ये पॉइंट तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसका सही आंसर बताएगा जरा कि अ ट्रैंक्विलिटी वेव ऑन अटलांटिक ओशियन, अ स्पॉट ऑन द सन, अ पार्ट ऑफ द मून, या फिर अ नो ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं अर्थ से बात करने जाऊं कि अर्थ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के अगर यहाँ पर किसको देखता है, मून को देखता है, तो पृथ्वी से खड़ा होकर के वो मून का सिर्फ और सिर्फ 50% जो पार्ट है यही देखा जा सकता है। तो जो रिमेनिंग वाला पार्ट है, यानी कि कौन सा पार्ट है, जो साउदर्न पार्ट है, याद रखिएगा, जो हमको दिखाई नहीं देता, तो माना जाता है ये पूरा का पूरा डार्क है, अंधकार में है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द सी ऑफ ट्रांकुलिटी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर टिक करने जाएंगे, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म ट्विन डेफिसिट इज एन इकोनॉमी मीन्स, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, ट्विन डेफिसिट, तो जरूर बताएगा, आपने एक टर्म भी सुना होगा, ट्विन डेफिसिट बैलेंस शीट, ठीक है। तो अगर आपने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा है कि जो बैलेंस शीट है वो क्या होती है, तो आपने ट्विन डेफिसिट के बारे में भी पढ़ा होगा। डेफिसिट का मतलब जानते हो, फिस्कल डेफिसिट आपने सुना होगा, नुकसान होना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे, 1 होगा 2 होगा 3 होगा या फिर 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हाई बजट डेफिसिट एंड हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट एंड हाई कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, हाई कैपिटल अकाउंट डेफिसिट एंड हाई फिस्कल डेफिसिट, या हाई करंट अकाउंट डेफिसिट एंड हाई फिस्कल डेफिसिट। सो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, और इस क्वेश्चन का डेफिनेटली जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। हाई करंट अकाउंट डेफिसिट एंड हाई फिस्कल डेफिसिट। देखिए जरा, करंट अकाउंट डेफिसिट आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इसको समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हमारा जो भी जितना भी ट्रेड है, ट्रेड का मतलब बोले तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारे देश में कैसा हो, इम्पोर्ट हाई हो और एक्सपोर्ट लेस हो जाए, तो उस स्थिति में आपको मालूम होगा कि जो हमारे अकाउंट में कम मनी क्रेडिट होगी, मैक्सिमम मनी डेबिट होगी, यानी कि इफ कंट्रीज एक्सपोर्ट इज लेस कंपेयर टू इंपोर्ट, सो मोर मनी डेबिटेड फ्रॉम योर करंट अकाउंट एंड लेस मनी क्रेडिटेड इनटू योर करंट अकाउंट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिशिएट। और दूसरा क्या हो उसी स्थिति में, साथ में अगर मैं बात करने जाऊं तो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हो, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हो, वो एक्सीड कर जाए किसके कंपेयर में, रेवेन्यू में, यानी कि सरकार के पास आमदनी कैसी हो, अठन्नी, और खर्चा रुपया, जो तो ये वही चीज है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कि हम लोग जो कमा रहे हो वो कमा रहे हो 50 पैसे और खर्च कर रहे हैं हम लोग 1 रुपए, तो वो स्थिति आपकी किसमें चली जाती है, फिस्कल डेफिसिट में, ठीक है। सो जो सही आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस बिलोंग टू द कर्नाटका। तो निम्नलिखित में से कौन सा फोक डांस है जो कर्नाटका से बिलोंग करता है, कर्नाटका के बारे में अभी तक देखिए आपने क्या पढ़ा हुआ है, हमने यक्षगान के बारे में पढ़ा हुआ है, दूसरा आपने कर्नाटका में हम्पी केव के बारे में भी पढ़ा हुआ है, दूसरा हमने जोग या गरसोप्पा वाटरफॉल के बारे में भी पढ़ा है, गरसोप्पा वाटरफॉल आप सभी जानते हैं, ठीक है, फिर हमने कुंचिकल वाटरफॉल के बारे में भी पढ़ा। देखिए
स्टैटिक का जो पार्ट है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दूसरा फिर हम लोग बात करने जाए कि हम्पी केव से रिलेटेड, कर्नाटका से रिलेटेड और क्या आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो देर आर मेनी थिंग्स टू रीड फ्रॉम द कर्नाटका। हम लोग एक कम्बाला फेस्टिवल के बारे में भी पढ़ते हैं जो कि एनिमल बफेलो रेस है। अब इसमें से देखिए बात करने जाए तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अ डोलू कुंथिया, ठीक है। लावणी तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र का, लेकिन कर्नाटका की अगर हम लोग बात करने जाएंगे दैट इज अ डोलू कुनिथा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिटरमाइंस द सैलरी पेड टू यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो जरूर बताइएगा कि भारतीय केंद्रीय मंत्रियों के भुगतान वेतन को कौन निर्धारित करता है, इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, ठीक है। वन होगा पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर ब्यूरोक्रेट्स। और यहाँ पर सारी चीजें डिसाइड करने का जो अधिकार होता है पार्लियामेंट, तो जो भी आपको मालूम होगा कि जो सैलरी डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा और सैलरी का अलोकेशन कहाँ से होता है, तो सभी को मालूम है कि ये जो अलोकेशन होता है कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है। सो कंसोलिडेटेड फंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिस्टर डोंग आ चुके हैं। सो सभी को मालूम है डोंग कह रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चले जाए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो देखो बच्चों आपने वोटर्स डे तो पढ़ा होगा ना, कि हम लोग किस डेट को वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 25 जनवरी 1950 को आपको मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। अब इस इलेक्शन कमीशन की अगर हम लोग बात करने जाएं तो आर्टिकल कितने में परिभाषित है, आर्टिकल 324 में परिभाषित है, ठीक है। अब इसमें तीन मेंबर होते हैं, तीन मेंबर में जो एक होता है वो होता है सीईसी, चीफ इकोनॉमिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी दो होते हैं वो कौन होते हैं, अदर कमिश्नर। सबकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। अब इसमें से ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले वर्तमान में, तो आपको मालूम है कि वर्तमान में अगर मैं बात करने जाऊं तो इस समय कौन है, सुशील चंद्रा साहब। वर्तमान में अगर आप देखने जाएंगे तो सुशील चंद्रा साहब। अब सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो इनका जो नाम याद रखेगा दैट इज सुकुमार सेन, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछेगा सुकुमार सेन, और वर्तमान में पूछने जाएगा तो आप किसको टिक करोगे, दैट इज सुशील चंद्रा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वॉज नॉट बाई बिल्ट बाई द शाहजहां। तो शाहजहां जिसके टाइम पीरियड को हम लोग निर्माण का गोल्डन एज बोलते हैं, निर्माण का जो गोल्डन एज बोला जाता है वह किसको ही बोला जाता है, शाहजहां के टाइम पीरियड को ही बोला जाता है, जिसके बचपन का नाम हम लोग पढ़ते हैं क्या था, खुर्रम था। शाहजहां जिसने भारत में शासन करना शुरू किया 1628 से लेकर के 1658 तक, और उसके बाद क्या हो स्टार्ट हो जाते हैं, सभी को मालूम होगा कि बैटल ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होते हैं। अब कौन सा नहीं है, तो बुलंद दरवाजा नहीं है। बुलंद दरवाजा आपको मालूम है कि इसको हम लोग किस नाम से भी जानते थे, विक्ट्री गेट के नाम से, और इसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, और ये बनवाया गया था गुजरात विक्ट्री की याद में, जो गुजरात विक्ट्री हुआ था 1572 में, तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और कहाँ पर स्थित है, सो दैट इज लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी। तो जो अकबर की कैपिटल थी कुछ समय के लिए ये वहां पर ही स्थित था। बाकी आप जामा मॉस्क की बात करोगे, मोती मस्जिद की बात करोगे, लाल किले की बात करोगे, या फिर आप किसकी बात करोगे, ताजमहल के बारे में बात करने जाओगे, ताजमहल के बारे में, ठीक है, या फिर आप बात करने जाएंगे पीकॉक थ्रोन। सो आई होप कि आपने इसके बारे में भी सुना होगा, जिसको हम लोग क्या बोला करते थे, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। ये सभी के सभी शाहजहां के समय में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 1917 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम रूल लीग आपको मालूम होगा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सेल्फ रूल, ठीक है, सेल्फ रूल यानी कि स्वशासन से ये प्रेरित था। तो होम रूल से ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे, ठीक है। वन होगा, टू होगा, थ्री होगा या फिर फोर। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है गाइस याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है। सो एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। देखिए मद्रास से पूछा गया है, अगर यही वो बात करता फ्रॉम पुणे कि पूना से लीड करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो पूना से लीड करने वाले व्यक्ति कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोग फादर ऑफ अनरेस्ट भी बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को नाम भी क्या दिया जाता है, आपको मालूम होगा फादर ऑफ अनरेस्ट बोला जाता है इनको अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने मराठा और केसरी किताब भी लिखी। तो एनी बेसेंट याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर है
और एनी बेसेंट को 1917 में आपको मालूम होगा कि आईएनसी का अध्यक्ष भी बनाया गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी मेंबर थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसकी मेंबर भी थी और मद्रास में इसका हेडक्वार्टर था। और इनकी दो मैगजीन या इनकी दो बुक का नाम कोई बता सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनकी किताब का नाम याद रखेगा द कॉमनवेल्थ, और दूसरी याद रखेगा दैट इज द न्यू इंडिया। तो इनकी दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मध्याह्न का सूर्य कभी भी ऊपर नहीं चमकता? सही आंसर बताने का प्रयास करिएगा। ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या टिक करने जाएंगे, 1 होगा 2 होगा 3 होगा या फिर 4? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, इट इज द राइट आंसर, 25 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री साउथ। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टू मेजर द ह्यूमिडिटी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज। ठीक है, आपने देखा होगा फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। फिजिक्स में एक तो आपको न्यूटन के नियम पढ़ लेने हैं, सभी गति के नियम सभी पढ़ लेने हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपके ये पर्टिकुलर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट इस्तेमाल करते हैं कि किस चीज को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ये जरूर पढ़ के जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। ठीक है, हमेशा बनने की संभावना रहती है। तो जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, तो इस क्वेश्चन का सभी को मालूम होगा कि अगर मैं बात करने जाऊंगा, ठीक है, यस यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हरियाणा इन टर्म्स ऑफ द इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरियाणा की इलेक्टोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू वो कौन सी है, हिसार, गुड़गांव, पानीपत या फरीदाबाद। सो ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज याद रखिएगा, हाँ, बादशाहपुर। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज द फेमस अंकोर वाट टेम्पल इज लोकेटेड। ठीक है, तो अंकोर वाट टेम्पल आपने पढ़ा होगा, बहुत ही पॉपुलर है और मोस्ट विजिटिंग लोकेशन में, अगर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं, मोस्ट विजिटिंग प्लेस है ये वर्ल्ड का। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लार्जेस्ट यहाँ पर आपको हिंदू टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पाकिस्तान, इंडिया, कंबोडिया या वियतनाम, निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे? और डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, कंबोडिया इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, तो अगर आपने अभी देखा हो तो अभी एयर पॉल्यूशन के मामले में काठमांडू बहुत ही इस समय टॉप पर है। दिल्ली तो हमेशा हालत खराब ही रहती है, दिल्ली में आपने देखा होगा कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन रहती है एयर पॉल्यूशन के मामले में। फिर आपका कोलकाता हो गया, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े शहर है भारत के इस समय जो एयर पॉल्यूटेड है, मुंबई भी इनमें अभी आना शुरू हो चुका है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर याद रखेगा दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट, कि जो सबसे बड़ा स्रोत है पॉल्यूशन का वो क्या है, दैट इज सीवेज एंड गार्बेज। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोल्लूर की जो खान है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। ठीक है, तो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे, 1 होगा 2 होगा 3 होगा या फिर 4? विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा, अगर मैं इसकी बात करने जाऊंगा तो इसमें से कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉपुलर नहीं है, क्योंकि आपने कोल्लूर नहीं सुना होगा, आपने कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में सुना होगा, दैट इज द कोलार। और कोलार जो हम लोग देखते थे KGF, आई होप कि अभी उसका सेकेंड वो भी आ चुका है, ठीक है, और ट्रेलर हो सकता है मे भी आपने देखा हो, लेकिन अभी सबसे पहले अपने RRB NTPC के ट्रेलर को देखिए और इसको खत्म करिए, उसके बाद आप किसी ट्रेलर या मूवी को देखिएगा। सो दैट इज द कोलार गोल्ड फील्ड, याद रखिएगा, दैट इज नॉट द कोलूरू, एक्चुअली इट इज अ कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि आपकी लोकेटेड है कहाँ पर, दैट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। तो ये आपकी कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड चाइना। ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे, जिलेबला होगा, नाथुला होगा, दिफू पास होगा या फिर बोमडीला पास होगा।
देखिए, जेलेबला और नाथुला को तो आई होप कि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी व्यक्ति इसको गलत करने जाएगा। जेलेबला और नाथुला मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी व्यक्ति इसको टिक करने जाएगा। आप इस क्वेश्चन का जो सही आंसर याद रखिएगा, दैट इज अ ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, देखिए, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो इनको तो आप म्यांमार, और इस म्यांमार की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो आप नहीं टिक करने जाएंगे। समझ में आ गया ना? अब आपके पास दो ही बचते थे, एक तो बोंदीला पास और दूसरा दिफुला पास। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज अ दिफुला पास। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ इंदौर इज। ठीक है, तो इंदौर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंदौर आपने देखा होगा कि 5वीं बार लगातार फिफ्थ जो टाइम है, ये आपका कैसा है, मोस्ट क्लीन सिटी के तौर पर निगर उभर करके आया। मोस्ट क्लीन सिटी, आप इसको मिनी मुंबई भी बोलते। मिनी मुंबई इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश का आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक राजधानी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है इंदौर। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर, देखिए, नर्मदा तो टिक नहीं करने जाएंगे किसी भी तरीके से, सरस्वती तो पॉसिबल नहीं है, छिप्रा के किनारे कौन सा शहर है, तो आपको मालूम है कि जो उज्जैन है वो छिप्रा के किनारे है, नर्मदा के किनारे कौन सा है मध्य प्रदेश का, सो दैट इज अ जबलपुर। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर बचा, एक ही रिवर बचती है, नर्मदा टिक करेंगे यार। पानी की सप्लाई पूछेगी। अच्छा, मुझे लगा कि बैंक पूछा जा रहा है, सॉरी, मुझे लगा बेटा पानी की सप्लाई के बारे में पूछा गया, तो ये वाटर सप्लाई के बारे में पूछा गया, सॉरी, इस पॉइंट को देख लीजिएगा, वाटर सप्लाई है। तो वाटर सप्लाई तो इसके द्वारा मिलती है, नर्मदा के द्वारा। ठीक है, हाँ, वाटर सप्लाई तो इसी के द्वारा मिलती है, लेकिन अगर इसको बोला जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा दैट इज अ खान रिवर। ठीक है, और ये एक्चुअली तरीके से एक नाले के तौर पे कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो थोड़ा सा ये ध्यान दे दीजिएगा कि इसमें बैंक नहीं पूछा गया, किस नदी के किनारे स्थित है ना पूछ करके क्या पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो इसको पानी सप्लाई करने का काम करती है। तो जो सही आंसर होगा दैट इज अ ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो नर्मदा नदी वाटर सप्लाई का काम करती है, लेकिन ये किसके किनारे स्थित है, तट पर, सो दैट इज अ खान रिवर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कोस्टल लाइन। तो बच्चों, मन की आंखों से देखिएगा, अब इसमें बताने वाली क्या बात है, आप सभी अपने मन की आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, सो ये मन की आंखें होंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कौन सा, गुजरात। तो आपको मालूम है कि गुजरात की सबसे लंबी, आप कह सकते हैं कि कोस्टल लाइन है। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट कह सकते हैं कि सबसे लंबी कोस्टल लाइन है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर गोवा, आई होप कि गोवा दिखाई दे रहा होगा। तो गोवा जो है वो किस तरह का है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा जो कोस्टल लाइन है गोवा का है। गोवा के बाद फिर आप देख पा रहे होंगे कर्नाटका, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद आपने देखा होगा ये तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आप देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा देख रहे होंगे, उड़ीसा, और उसके बाद कौन सा है आपका, बंगाल। सो आई होप कि आपने सभी को मन की आंखों से देख लिया होगा, और अब यहाँ पर जो सही आंसर टिक कर दिया होगा दैट इज अ ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा है वो किसकी है, गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, और जो सबसे छोटी है याद रखिएगा गोवा की। तो सबसे बड़ी किसकी लिखेंगे, गुजरात की, फिर लिखोगे आंध्र प्रदेश की, और इस तरीके से जो सबसे लास्ट में आ जाएगा दैट इज अ गोवा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि व्हाट वॉज द कोड नेम ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ऑफ इंडिया। जरूर बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जरा, इस क्वेश्चन को इन्होंने घुमा करके पूछने का प्रयास नहीं किया। आपको नहीं लगता है कि इन्होंने घुमा कर पूछने का प्रयास किया? बात कर रहा है 1974 की, और 1974 में ही आपका क्या हुआ था, सबसे पहला पोखरण टेस्ट हुआ था, याद होगा ना, सबसे पहला पोखरण टेस्ट इंदिरा गांधी के समय में, और जो सेकेंड हुआ था 1998 में हुआ था, ये सेकेंड हुआ था। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इन्होंने घुमा करके पूछने का प्रयास किया है। ऑपरेशन पोखरण बोलेंगे, स्माइलिंग बुद्धा बोलेंगे, ऑपरेशन शक्ति, तो ऑपरेशन शक्ति आपको मालूम है ये सेकेंड है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में हुआ था, और इसका नाम आप क्या रखेंगे, स्माइलिंग बुद्धा, और आपको मालूम है कि ये 1974 में हुआ था। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर गाइज देखिए, आपके कुछ कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो ना मैं स्किप करूंगा, और आप तो लाइव देख रहे हैं तो कर नहीं सकते। ठीक है, सो गाइज, देर आर सम ऑसम कोर्सेज फॉर SSC, और एक फाउंडेशन कोर्स है, एक 1 ईयर का कोर्स है, और अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन कोर्सेस आप इनके लिए एनरोल कर सकते हैं। मोर देन 400+ लाइव क्लासेस है, बहुत सारे मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट है। यूज कीजिए कूपन कोड SHIVKT का टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा, बताइएगा जरा इसका सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंड बेस्ड इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन
वायु पर आधारित भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ताउस, स्वरमंडल, संवादनी या फिर रबाब? ठीक है, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को आप टिक करने जाएंगे? वन होगा, टू होगा या फिर थ्री? विच ऑप्शन इज करेक्ट? और इसका जो सही आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट, संवादनी इज द राइट आंसर, संवादनी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर लिग्नाइट प्रोडक्शन? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर लिग्नाइट का प्रोडक्शन होता है? देखिए, अब सबसे पहले मैं बात करने जाऊं डिगबोई आसाम की, तो आपको मालूम होगा ये डिगबोई आसाम जो दिखता है, पहले देखिए अगर ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है तो आप ऑप्शन रिमूव करना भी शुरू कर दें, तो ऑप्शन को आप रिमूव भी कर सकते हैं, समझ में आ गया? आप ऑप्शन को इजीली तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं। जो डिगबोई आसाम का एरिया है, आपने पढ़ा होगा कि डिगबोई आसाम का एरिया पेट्रोलियम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपने देखा होगा जो नेवेली जो एरिया है, ये आपका साउथ में आता है, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो आपने देखा होगा कि अगर मैं इसकी बात करने जाऊं तो ये कोल के लिए बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, अब ये जो है सही आंसर याद रखिएगा, लिग्नाइट भी यहां पर ही पाया जाता है और साथ में आपका कोल भी यहां पर पाया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द, बिल्कुल, तो ये याद रखिएगा, जो ये तमिलनाडु का एरिया है, ठीक है, हाँ, ये सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, दैट इज इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में आता है, साउथ में आता है, बिल्कुल ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन वन इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर फाउंड इन द कैथल डिस्ट्रिक्ट? तो देखो, कैथल डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब कैथल डिस्ट्रिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, किससे रिलेटेड? हरियाणा से रिलेटेड। आपने अगर एक नाम पढ़ा हो जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान, आई होप कि आपने ये डेफिनेटली हिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा, रजिया सुल्तान। हम लोग पढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान की जो हत्या है, रजिया सुल्तान की जो हत्या है 1240 ईस्वी में, वो कहां पर ही की गई थी? कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही की गई थी, कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ही की गई थी। ठीक है, और उसके भाई बहराम शाह के द्वारा। इसका जो सही आंसर याद रखिएगा, टॉम्ब ऑफ शेख तैयब, ये भी आपका स्थित है। दूसरा, गुरुद्वारा नीम साहिब, दोनों के दोनों याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? कैथल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कैथल हरियाणा में स्थित है, जो सही आंसर होके जाएगा ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि व्हाट इज यूआईडी? तो यूआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपना यूआईडी बताइए, आपका यूआईडी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूर बताएगा कि इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से क्या टिक करने जाएंगे? वन होगा, टू होगा, थ्री होगा या फिर फोर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बेटा देखो, अगर आपको मॉक सेशन ज्यादा से ज्यादा देते हो तो आप स्कोर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ तो आपको सेट पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्जामिनर कहाँ से क्या चीजें पूछ रहा है, समझ में आ गया ना? सो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और मॉक टेस्ट देने का प्रयास करिए। रिविजन बहुत प्रियोरिटी में रखिए। इसका जो सही आंसर है, यूनिक आइडेंटिटी इज द करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द मंथन प्रोजेक्ट? तो आपको बताना है कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मंथन, नहीं है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट है। तो ये जो मैनहट्टन परियोजना है, निम्नलिखित में से इससे कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं? ठीक है, रॉबर्ट ओपेनहेमर, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर नोबल प्राइज दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं, कौन से साइंटिस्ट हैं जो मैनहट्टन परियोजना से जुड़े हुए हैं? और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु वाज अवार्डेड विद द नोबल प्राइज फॉर थ्योरेटिकल डिस्कवरीज इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था? नोबल प्राइज अभी हमने पढ़ा कि जिसकी शुरुआत 1919 में हुई, और आपको मालूम है कि छह कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें ये दिया जाता है, छह कैटेगरी इकोनॉमी 1969 में ऐड हुई थी। और अगर मैं इंडिया में बात करने जाऊं तो अभी तक टोटल जो है 9 इंडियन है जिनको नोबल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों के लिए नोबल पुरस्कार किसको दिया गया था? और यहाँ पे जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। और इंडिया में जो सबसे पहले मिला था, तो याद रखिएगा कि इंडिया में सबसे पहले बात करने जाएंगे तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हो, फिर सीवी रमन की बात करते हो, फिर हम लोग बात करते हैं अमर सेन के बारे में, अभिजीत बनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में, हम लोग बात करते हैं कौन से मदर टेरेसा के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन्स इज द एंडीज? तो एंडीज जो पर्वत है, ये किस तरह के माउंटेन है, जरा इनके बारे में बताइएगा। एंडीज माउंटेन के बारे में पूछा गया है,
ये ब्लॉक माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन है, या फिर वोल्केनिक माउंटेन है। जैसे हम लोग बोलते हैं हिमालय के बारे में, तो हिमालय को आप क्या बोलते हो, यंग फोल्डेड माउंटेन के तौर पर बोला जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन है जो हिमालय है, ठीक है। आप जैसे अरावली माउंटेन के बारे में पढ़ते हो, तो इसका जो सही आंसर याद रखिएगा, दैट इज अ ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। तो जो एंडीज माउंटेन है आपका किस तरह का है, यंग फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, यंग फोल्डेड माउंटेन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द कॉमन ट्री स्पेसीज ऑफ द नीलगिरी हिल। तो देखिए नीलगिरी हिल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो आपका वेस्टर्न वाला भाग है, आपने वेस्टर्न वाले भाग में कई नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र में आपने जो वेस्टर्न भाग है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री, आपने इसका नाम क्या पढ़ा होगा, सह्याद्री। और दूसरा हम लोग कर्नाटका में इसको नीलगिरी के नाम से जानते हैं, नीलगिरी आप हिल यानी कि ब्लू माउंटेन की हम लोग बात कर रहे हैं, ब्लू माउंटेन, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, साल के पेड़ मिलेंगे आपको, ठीक है, पाइन के पेड़ मिल जाएंगे, नीलगिरी के पेड़ मिलेंगे, या फिर टीक के। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर याद रखेगा, दैट इज ऑप्शन 3 H, करेक्ट। नीलगिरी के पेड़ आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं कहाँ पर, नीलगिरी हिल में, ठीक है। जो सही आंसर है ऑप्शन 3 H, करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज द सेटलमेंट एक्ट। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हम लोग सेटलमेंट एक्ट के तौर पर जानते हैं, ठीक है। बच्चों देखो आपने रेगुलेटिंग एक्ट जरूर पढ़ा होगा, जब हम लोग पढ़ते हैं कौन से द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड, कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो भी संवैधानिक सुधार किए गए वो कौन कौन किससे थे। सो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। फिर हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसके अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपने पढ़ा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, सॉरी बोर्ड ऑफ काउंसिल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ट्रेड और आपने पढ़ा होगा एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज बनाई जाती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर टिक करने जाएंगे, दैट इज ऑप्शन 3 H, करेक्ट, ठीक है। तो जरा बताइएगा कि इसका जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन 3 H, करेक्ट। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। यस, सो यहां तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अ कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज आर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिताएं होती है, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर 4, मिनिमम, इक्वल, हाइट्स, या फिर हाइएस्ट, या फिर इंक्रीजिंग, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या टिक करने जाएंगे। देखिए आपने इसके लिए मतलब हो सकता है कि आपने इसके लिए एक डायग्राम पढ़ा हो, या इसके लिए हमने मैप भी पढ़ा होगा, कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्राइसेस को, आपने देखा होगा कि जो यहाँ है वो आप क्या लेते हो, प्राइस लेते हो, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्यूडी यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड। और जब हम लोग इस तरीके से ये मैप को ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर क्या करने जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर 4। पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब आपका जो प्राइस है, और अगर हम लोग बात करने जाए कि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी कि जितना आप सप्लाई कर रहे हैं उसका सप्लाई क्वांटिटी डिमांड के बराबर हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और आपको ये तो मालूम है कि प्राइस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यूडी के, प्राइस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यूडी के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द सोलर प्लैनेट दैट हैज अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर, ठीक है। तो जरूर बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, मरकरी, वीनस, जुपिटर या सैटर्न। निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1 के साथ जाएंगे, 2 के साथ जाएंगे, 3 के साथ, या फिर 4 के साथ। और इसका जो सही आंसर है, दैट इज सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। सो वीनस इज द राइट आंसर। वीनस सभी लोग जानते हो कि इसको आप क्या बोलते हो, मॉर्निंग, इवनिंग, या फिर हम लोग इसको क्या भी नाम देते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, ब्राइटेस्ट, फर्स्ट,
और टेस्ट, ये सारे जो नाम है ये इसी को ही चले जाते हैं। ब्राइटेस्ट भी नाम देते हो, दूसरा आप इसको क्या भी बोलते हो, हॉटेस्ट भी बोलते हो। ठीक है भाई, जो ब्राइटेस्ट होगा हॉटेस्ट होगा तो स्टार इसको नाम दे दिया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसका जीरो सैटेलाइट है, जीरो सैटेलाइट भी आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसका अपोजिट रिवोल्यूशन है, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, कि बाकी सभी प्लानेट आप अलग करते हैं, जो 6 प्लानेट हैं यूरेनस और वीनस का अपोजिट आपने रेवोल्यूशन भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन विच कंट्री डिड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम फर्स्ट डेवलप। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो देश था जिसमें सबसे पहले पार्लियामेंट गवर्नेंस सिस्टम अडॉप्ट हुआ। इंडिया भी किस तरह को फॉलो करता है, तो इंडिया ऑल्सो फॉलो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इंडिया जो है, भारत भी, हम लोग फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। और हमने ये जो सोर्स लिया है तो मालूम है कि कहाँ से लिया है, कनाडा से। ठीक है, तो इंडिया ने भी याद रखिएगा कि हमारा जो सोर्स है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वो भी हमने कहाँ से बोरो किया है, यूके से, ब्रिटेन से। तो यूके सभी को मालूम है कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, बट ये कैसा है, अनरिटिंग, बट इट इज अ अनरिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपने पॉइंट इतना याद रखना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में चलते हैं, देखो क्या पूछा गया है कि टू हुम डज द प्रेसिडेंट कंसल्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं। सो आप सभी को मालूम है कि जब मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बात करने जाऊंगा, सो दैट इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को नियुक्त करता है गवर्नर। लेकिन जब अगर मैं बात करने जाऊं यहां पर हाई कोर्ट के जजेस की बात करने जाएगा, हाई कोर्ट की जजेस की बात करने जाएगा, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो यहाँ पर किससे एडवाइस ले सकता है। तो यहाँ पर वो एडवाइस ले सकता है सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा चीफ जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, या फिर गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सभी के सभी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। अगर ये पूछा गया कि कभी जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा तो गवर्नर भी क्या कर सकता है, नियुक्ति करेगा, लेकिन गवर्नर एडवाइस ले सकता है रिस्पेक्टिव स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जज से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होंगे दैट इज ऑप्शन, याद रखिएगा, 4 इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए जरा क्या दिया गया है, हु एस्टैब्लिश द ट्विन दीवान ए अर्ज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देखिए बच्चों, दिल्ली सल्तनत में मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा जरूर पढ़ के जाएगा। दिल्ली जो सल्तनत है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आज के समय में एग्जामिनर काफी क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड होता है कि दिल्ली सल्तनत में जो अधिकारी हुआ करते थे उनके नाम हुआ क्या हुआ करते थे, जो आर्किटेक्चर था वो आर्किटेक्चर किस तरीके का था, आर्ट एंड कला के, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ के चले जाइएगा, जो फेमस स्कॉलर्स थे, कवि वगैरह थे, उनके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो डिपार्टमेंट स्थापित हुए थे, दीवाने अर्ज, दीवाने बंदगान, दीवाने ए, आपने और भी पढ़ा होगा इंशा। ठीक है, तो ये जो दीवान ए रसताल, जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, बलबन के समय में, कुतुबुद्दीन, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, सो आप सभी को मालूम था कि ये जो लेके आया था वो कौन सा था, बलबन। तो बलबन के द्वारा एक तो स्टार्ट किया गया था दीवान ए अर्ज, और दूसरा आपने देखा होगा बलबन के द्वारा नवरोज फेस्टिवल भी शुरू किया गया, बलबन के द्वारा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी स्टार्ट की गई थी, बलबन के द्वारा ये स्टार्ट किया था। और बलबन के द्वारा आपने पढ़ा होगा पैगोज और सिजदा जो सिस्टम है ये भी स्टार्ट किया गया था बलबन के द्वारा। ठीक है, सो जिसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, दी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी। तो इसका सही आंसर थोड़ा सा आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या, टिक करेंगे, 1 होगा 2 होगा 3 होगा या फिर 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ, दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए रसताल, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट थे दिल्ली सल्तनत के, इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, याद रखिएगा, जो सही आंसर जाएगा करेक्ट चार्टर्ड एक्ट, दैट इज 1813। तो ये जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट था सबसे इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा कि जो इसमें अगर मैं बात करने जाऊं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है दैट इज एंडेड, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी वो यहाँ पे क्या हो जाती, एंड हो जाती है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किसके अलावा आप लिखते लिखते हैं, ट्रेड विथ टी एंड चाइना,
तो चाय और चाइना के साथ, व्यापार के साथ, तो चाय और चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध रहता है। और दूसरा, भारत में याद रखिएगा मिशनरीज आना शुरू हो जाते हैं, भारत में मिशनरीज आना शुरू हो जाते हैं। बाकी आपने चार्टर्ड एक्ट 1853 तो पढ़ा है कि भारत में सबसे पहले सिविल सर्विसेज का ओपन एग्जाम होता है। 73 के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, जो वारेन हेस्टिंग्स हैं गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, और ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ काउंसिल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आ जाते हैं। और 1833 का भी आपने पढ़ा है कि 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्त की जाती है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द मेन कॉज ऑफ पुअर्टी इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री इज। ठीक है, तो पुअर्टी आपने पढ़ा होगा, गरीबी क्या है, जब इंसान अपनी लाइफ के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक नेसेसिटीज का मतलब है रोटी कपड़ा और मकान, जब इंसान अपनी लाइफ के लिए रोटी कपड़ा और मकान को ही अरेंज ना कर पाए, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर्टी। अब दो तरीके से होती है, एक होती है एब्सोल्यूट पुअर्टी, आपने इसमें पढ़ा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, एक आपने इसमें पढ़ा होगा एब्सोल्यूट पुअर्टी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि दो तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल उसको अलग कर दिया गया है, ठीक है, मतलब सोशल आइडेंटिटी उसकी बिल्कुल अलग कर दी गई है, तो दो तरीके से हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि द फिलोसफी ऑफ, हाँ जरा बताएगा, पॉजिटिविज्म, ठीक है, डज नॉट बिलीव इन, तो प्रत्यक्षवाद का दर्शन किसमें विश्वास नहीं करता। और मुझे नहीं लगता कि रेलवे में, देखो, इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि अगर देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर हम लोग लेकर के आने लगेंगे, तब तो फिर बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, और बच्चे फिलोसफी तो इतनी पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन का जो एक्चुअली में जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बट इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, सो डोंट वरी, इस तरह के सवालों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज सेड टू हैव बिगन इन, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से होती है, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब होती है, जब गौरी की मृत्यु होती है। तो गौरी का अगर हम लोग शासन देखना शुरू करें, तो 1173 से लेकर के कहां तक पढ़ते हैं, 1206 तक, तो 1206 में गौरी की मृत्यु होती है। और गौरी के जो स्लेव होते थे, उन्हीं के द्वारा आपने देखा होगा भारत में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की गई। तो सबसे पहले शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के आप पढ़ेंगे 1526 तक। तो इसमें कई डायनेस्टी पढ़ते हैं, कौन कौन सी डायनेस्टी है, आपकी सिलेव डायनेस्टी है, उसके बाद आप देखते हैं खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, और फाइनली जो लास्ट में होती है, दैट वाज द लोधी डायनेस्टी। ठीक है, सो जो सही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है सीता भद्र जो केव है छत्तीसगढ़ में किस महल में स्थित है। ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 एंड 4। गाइस जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द सेशन एंड मार्क योर अटेंडेंस, तो सेशन को एक बार लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिए फिर। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, सूरगुजा इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट ब्रोक आउट इन द विच सिटी, तो 1857 का विद्रोह आपने पढ़ा होगा, मारो फिरंगी को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, क्या टिक करने जाएंगे, निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे, देखिए सबसे पहले शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 को, और इसकी जो शुरुआत हो जाती है कहां से, बैरकपुर छावनी से। तो आपने पढ़ा होगा कि जो बैरकपुर छावनी थी, ठीक है, यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है, जो 34 नेटो इन्फेंट्री बटालियन थी, और ये कौन सा एरिया था, सभी को मालूम है कि जो बंगाल वाला एरिया था, वहां से सबसे पहले शुरुआत हुई। फिर उसके बाद शुरुआत होती है 10 मई 1857 को, ठीक है, और 10 मई 1857 को ये जो शुरुआत हो जाती है, वो कहाँ से, मेरठ से, आपने ये भी देखा होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर स्टार्ट होती है 11 मई, और 11 मई 1857 तक ये कहाँ पे पहुंच जाती है, दिल्ली में पहुंच जाती है। तो अब इसका सही आंसर क्या टिक कर पाएंगे, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और मेरठ से आपकी जो शुरुआत होती है, वो कब से शुरुआत हो जाती है, 10 मई से। ठीक है, सो सही आंसर होगा, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टू विच इज पिरामिड ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड, तो आप जरा बताइएगा कि ऊर्जा का पिरामिड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, फूड चेन से, फूड वेब से, बायोस्फेयर से, या फिर एनवायरमेंट से, निम्नलिखित में से क्या सही आंसर होगा, 1, 2, 3 एंड 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो याद रखिए, जो फूड चेन है, ये आपके किससे जुड़ी हुई है, पिरामिड ऑफ एनर्जी से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है,
यूएसए की बात कर रहे हैं हम लोग, यूएसए की, तो जरा बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी झील आपकी यूएसए में स्थित नहीं है, लेक ओनेगा, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन या फिर लेक इरी, तो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा है, वर्ल्ड की वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जरूर कर सकते हैं। कि आपने देखो एक तो पढ़ा होगा लेक बैकाल जो रसिया में स्थित है, फिर दूसरा आपने पढ़ा होगा विक्टोरिया लेक जो अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, कई बार पूछी जाती है। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो लेक ओनेगा है ये आपकी साफ इसमें कहां पर स्थित नहीं है, अमेरिका में स्थित नहीं है। ठीक है, सो जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करने जाए तो इसका जो सही आंसर होगा, हाँ ये याद रखिएगा, लेक जो इनिगा है ये आपके कहां पर है, कनाडा में स्थित है, नॉट इन अमेरिका, अमेरिका में नहीं है, कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट अबाउट द ओरिजिन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के हम लोग तीन ज्यूरिडिक्शन पावर पढ़ते हैं, तीन हमने ज्यूरिडिक्शन पावर के बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, ओरिजिनल, सबसे पहला आपने देखा होगा ओरिजिनल, फिर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, अपलेट, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा अपलेट, और एक हम लोग पढ़ते हैं एडवाइजरी। तो आई होप कि ये तो सभी को मालूम होगा कि एडवाइजरी 143 में परिभाषित है, ओरिजिनल 131 में परिभाषित है, और ये जो है आपका कौन सा 132 से लेकर के 133 में परिभाषित है। तो अब इसका आंसर जो बहुत सिंपल है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो आपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पढ़ा होगा कि केंद्र के बीच में, राज्य के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। जो सही आंसर है ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिएगा जरा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट टू द पीपल, तो निम्नलिखित में से किसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। तो आई होप कि बहुत क्लियर है, हम लोग आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं 12 से लेकर के 35 तक। कौन सा हमारा यूएसए सोर्स है, पहले आपके टोटल 7 थे, बाद में कितने कर दिए गए, -1 हुआ, और टोटल अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, और किसमें परिभाषित है, पार्ट 3 में। तो पार्ट 1 किसकी बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, पार्ट 4 बात करता है सभी को मालूम है DPSP की, और पार्ट 2 में हमने बात की है किसके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो राष्ट्रीय दूर संचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी, सही आंसर क्या होगा और इसका जो सही आंसर याद रखिएगा 2012 इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड महाराष्ट्र कर्नाटक एंड गोवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट, तो आपको देखिए कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है, कोंकण और ये कन्नड़ वाला जो पार्ट पढ़ते हैं, और आपको मालूम है कि इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया, इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी डाला गया है। सही आंसर क्या टिक करने जाएंगे, केरल होगा, गुजरात होगा, तमिलनाडु होगा या फिर आंध्र प्रदेश, तो आप इसको तीन स्टेट में ही पाते हैं। ठीक है, तीन स्टेट में हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, दूसरा आपको कौन सा दिया गया, कर्नाटक का पार्ट भी दिया गया है, ठीक है, और लास्ट में कौन सा रहता है, सो आई होप कि सभी को मालूम है केरल वाला पार्ट। ठीक है, सो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्मो समाज। देखो बच्चों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको मालूम होगा कि इसका जो ओल्ड नेम हुआ करता था, इसका ओल्ड नेम हुआ करता था आत्मीय सभा, तो इसका जो आपने नाम पढ़ा होगा आत्मीय सभा, और यही आत्मीय सभा बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ब्रह्मो समाज में, और ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे राजा राममोहन राय, जिसको राजा का जो टाइटल दिया गया था, आयोग की ये सभी को मालूम होगा, राजा का टाइटल दिया गया था मुगल राजा अकबर द्वितीय के द्वारा, और इन्होंने सती प्रथा के लिए भी बहुत सारा काम किया, सती प्रथा के लिए 1829 में, और इनकी एक किताब भी याद रखिएगा जिसका नाम है संवाद कौमुदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना जो कि एक बैठक घर है, किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया था, इबादत खाना, इबादत खाना को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल ऑफ प्रेयर, याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, हॉल ऑफ प्रेयर। ये बिल्ट किया गया था कब, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1575 में इसको बिल्ट किया गया था, और ये कहां पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो ये एक ऐसा स्थान था जिसका रिलीजियस डिस्कशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, रिलीजियस डिबेट होती थी, बहुत सारे धर्म गुरु आते थे और उस पर विचार विमर्श होता था, समझ में आ गया, जैसे लेकिन आज के समय में टेलीविजन जैसा नहीं होता होगा, टेलीविजन में भी आपने देखा होगा बहुत सारे हम लोग रिलीजियस डिबेट देखते हैं,
तो वो देखने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग तो अपने लाइफ में सिर्फ संसद टीवी को देखिए और जो एयर इंडिया न्यूज है उसको सुनिए। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो संसद टीवी और एयर इंडिया न्यूज, ठीक है। इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो अकबर के द्वारा ये स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि केसरी वॉश, जरूर बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, केसरी एंड मराठा, ठीक है। और यहाँ पे जो संबंध है सबसे इंपॉर्टेंट है बीजी तिलक का, ठीक है, बीजी तिलक का। तो बताएगा कि सही आंसर क्या टिक कर पाएंगे, निम्नलिखित में से किसको टिक करेंगे, ठीक है। केसरी और मराठा निम्नलिखित में से किससे संबंध है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा या फिर 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है डेफिनेटली दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। याद रखिएगा जो केसरी था मराठी न्यूज़पेपर था और जो मराठा था ये किस किस में था, ये इंग्लिश में था, और दोनों को जो लिखा गया था वो किसके द्वारा, तो याद रखिएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। सो जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट टर्म ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया वॉज यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट। तो निम्नलिखित में से किस एक्ट में सबसे पहले ब्रिटिश पजेशन का इस्तेमाल किया गया, 1813, 1833, 1784 या फिर 1858, ठीक है। इसका सही आंसर 1, 2, 3 एंड 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर याद रखिएगा दैट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। तो यहाँ से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है। आपको मालूम होगा कि जो कॉलोनाइजेशन भारत का स्टार्ट होता है वो तो रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू हो जाता है और कंप्लीट कहां पर होता है, 1833 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया द सिटी ऑफ कानपुर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम विच ऑफ दिस, ठीक है। तो कानपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, कार्तिकेय, यस कंस, कृष्ण, सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे, और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। सो चलिए गाइज, ये था आज का सेशन, यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करते हैं। जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और यस, टाइमिंग याद रखिएगा कि 8 AM पर हमारा ये रेगुलर सेशन होता है और अभी इसके 10 मिनट बाद करंट अफेयर का मास्टर क्लास होगा। कंक्लूड करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ऑलरेडी CBT 1 का रिजल्ट आ चुका है और जो ऑलरेडी 1 में सिलेक्ट हो चुके हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जरूरी है कि आप CBT 2 की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें और इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए ज्यादा से ज्यादा मॉक सेशन दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे ना उतना ही ज्यादा आपका इसमें बेनिफिट होगा। तो इस समय टेक्स्ट बुक याद रखिएगा, आपके लिए बेहतरीन सेल लेकर के आया है टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग, जिसमें ₹360 में 18 महीने का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। और इसको एनरोल कैसे करना है, तो एनरोल करने का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी सिंपल। सो आप मेरे साथ कुछ स्टेप फॉलो कर लीजिएगा। आई होप कि आप अपनी स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे कि ये सेशन चल रहा है। सबसे पहले तो यार देखो सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, ठीक है, सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। सो मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पास की लिंक दिखेगी, क्लिक करिए यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह के फीचर ओपन होंगे, मंथली, 18 मंथ और लाइफ टाइम, बट ये प्राइस नहीं पे करना है, आप कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, दैट इज SKT पास। और अभी तो अभी बहुत ही बेहतरीन मौका चल रहा है कि आपके पास किसी एक लकी विनर को आईपैड जीतने का मौका भी है, तो 360 में मिलेगा आपको 18 महीने का टेक्स्ट बुक पास, ठीक है, और 540 में लाइफ टाइम का। 510 एग्जाम है यहाँ पर, कवर होते हैं 38,000 मॉक टेस्ट, 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 13,40,000 से ज्यादा बच्चे हैं। और अगर मैं बात करने जाऊँ RRB NTPC की, तो RRB NTPC के आपको बहुत सारे मॉक सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये था आज का सेशन, आई होप यू लाइक इट। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सो जितने भी बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप टू गेट द रेगुलर अपडेट एंड टू गेट द रेगुलर PDF, ठीक है। सो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। और बाकी अभी याद रखिएगा 9 बजे आपकी मास्टर क्लास है करंट अफेयर की और 11 बजे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का सेशन, तो उसमें आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।